नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एयरटेल का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं शेप के द्वारा, वो भी कोरलड्रॉ के अंदर। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एलिप्स लेना है, एलिप्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और यहाँ से इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद इसको लंबाई में थोड़ा सा खींच लेना है ताकि आपकी जो शेप हो वो बेसिकली ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाए थोड़ी सी, इस तरीके से। इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है इसको। ये देखिए, बिल्कुल ये शेप होनी चाहिए आपकी। यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो और नीचे की तरफ ये पतला होता चला जाए। इसके बाद दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से कर दीजिए इसको ट्रिम। ट्रिम करने के बाद इसको बाहर निकाल करके यहाँ से कर दीजिए डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है और ये जो एरो नज़र आ रहा है, इस एरो को आपको अंदर की तरफ ले जा करके मूव कर देना है। अब आपको यहाँ पर दो एरो नज़र आएंगे, जो नीचे बड़ा वाला एरो दिखाई दे रहा है नीचे वाला, इसको उठा करके आपको ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, और ये जो नीचे वाला एरो नज़र आ रहा है इसको नीचे की तरफ इस तरीके से खींच देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट को पकड़ करके थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को भी यहाँ से स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ इस वाले पॉइंट पर आपको डबल क्लिक करना है ताकि एंगल आपका फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके इस एरो को इसको नीचे की तरफ ऐसे खींच देना है। नीचे की तरफ खींचने के बाद इसको एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे ले आइए। नीचे लाने के बाद इसको यहाँ से पीछे की तरफ खींच लीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से आपकी शेप एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको आके डबल क्लिक करना है, इस पॉइंट को आपको फिनिश कर देना है, खत्म कर देना है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको डबल क्लिक करना है, और इस पॉइंट को भी आपको यहाँ से फिनिश कर देना है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए, यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से, और चाहें तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद ये बन गया आपका एयरटेल का लोगो। इसके अंदर आप रेड कलर फिल कर दीजिए, राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन का कलर फिल कर दीजिए, और यहाँ से आपको टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद सिलेक्शन टूल यूज़ करिए, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल एरियल ब्लैक ले लीजिए, कॉर्नर से पकड़ करके इसको आप यहाँ से इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके सेंटर दबा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके से भी एयरटेल का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का कलर हमने रेड कलर में फिल कर दिया, और यहाँ से इसकी सेटस आउटलाइन ले लिया हमने। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट हमने ले लिया। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर रखा और कंट्रोल के साथ होम दबा दिया। होम दबाने के बाद इसके अंदर व्हाइट कलर फिल कर दिया हमने, और उसके बाद इस एयरटेल का जो हमने टाइप किया था इसका भी हम डुप्लीकेट ले लेते हैं, और उसको थोड़ा सा यहाँ से हम लोग छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, और इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करके इसके अंदर भी हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। और उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सी दबाएंगे, सी फॉर सेंटर, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सी दबाएंगे और ई दबा देंगे, सी से सेंटर और ई से इक्वल, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे। तो ये बन गया हमारा एयरटेल का लोगो। तो इस तरीके से भी आप ये लोगो बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप ये लोगो बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप एयरटेल का लोगो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये था एयरटेल का लोगो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।